हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मॉर्गेज जस्टन। एंड आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा सीरियस इशू पे रहेगा, इतना हैप्पी वाला एंटरटेनिंग नहीं रह सकता है। ये वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। दादा, ये ब्रेक शू का कितना चार्ज था आप लोग का? ड्रम ब्रेक, ब्रेक शू, पीछे ब्रेक का? ब्रेक शू का 350। नहीं, डालने का चार्ज, फिटिंग चार्ज 150 ना। उसके बाद ये वाला इंजन ऑयल चेंज करने का चार्ज लेता है क्या? कितना? सेम 150, 200 इंजन ऑयल चेंज करने का। अब सिंपल चेंज करेगा तो क्या? ऐसा सिंपल चेंज करेगा तो वो ऑयल फिल्टर और ऑयल ना, ऑयल फिल्टर और ऑयल ना। अच्छा, सो गाइस, आपने देख लिया ना ये कि वहाँ का रेट कैसा है। आपको एक बार और बता देता हूँ, उसने कहा है कि ठनगर का जो गैरेज का वो बंदा बोला है कि वो इंजन ऑयल चेंज करने का ना, इंजन ऑयल चेंज करने का 200 रुपया लेगा बोला है, जहाँ पे वो ऑयल फिल्टर भी चेंज करेगा और एयर फिल्टर भी चेंज कर देगा। लेकिन सिंपल से करने का, यानी कि दैट इज ऑयल को चेंज करेगा ना, ऑयल को चेंज करने का और या ऑयल फिल्टर ज़्यादा चेंज कर देने का, वो लेगा 150 रुपया लेगा बोला है ना। और ब्रेक शू चेंज करने का वो लेगा बोला है 150 रुपीस ब्रेक शू, हाँ ड्रम वाला है। और रेक्टिफायर चेंज किया वहाँ पे, उस पर लिए वो 250 रुपीस लिए रेक्टिफायर चेंज करने का, ठीक है। सो गाइस, ये तो देख लिया आपने ईटानगर का प्राइस कैसा ले रहा है। ईटानगर क्या, ये बस एक एग्जांपल है। एक गैरेज में जाके हम ये पूछा है, ईटानगर का मोस्ट ऑफ द गैरेज ऐसा ही प्राइस कर रहा है, ये यूजुअल रेट है। नाहरलगुन में भी ऐसा है। नाउ सिंस हम दोईमुख एरिया में रहता है, तो हम ये दोईमुख का एक गैरेज में पास पड़ता है, बोलिए वहाँ पर जाके वहाँ पर रेट पूछा है, तो उसका रेट देखिए कैसा है। सो राइट नाउ प्राइस को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आया हम, अभी दोईमुख गैरेज में आया, दोईमुख का। तो ये भी अरुणाचल में पड़ता है, आसाम तो नहीं है। तो अभी सोच रहा है इसका पीछे का ब्रेक शू लगाएगा और ये इसका लगा रहा है, ये स्विच को चेंज करा रहा है। भाई, ये स्विच चेंज करने का चार्ज कितना ले रहा है? ये स्विच चेंज करने का 50 ना। और पीछे का ब्रेक शू चेंज करना है, ब्रेक शू ड्रम वाला, उसका कितना है? 50 ना। अच्छा, इंजन ऑयल चेंज करने का 50 देने से हो जाएगा ना? इंजन ऑयल आप लोग का ऐसे लेने से ना, बाहर से भी लाने से वही सेम है, चेंज कर देने का ना, फिल्टर भी डाल देगा उसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, देखो प्राइस देखो आप लोग, ये एकदम ईटानगर का प्राइस हवा में बोलता है। ये भी अरुणाचल है, दोईमुख में है। देखो ये अरुणाचल, यहाँ का भी जो प्राइस है सब्जी का, ईटानगर में भी उतना है। यहाँ पे भी रेंट का जो प्राइस है ईटानगर में भी उतना है, लेकिन यहाँ में देखो हम अभी दोईमुख में। सो आप लोग भी थोड़ा ना ऐसे गैरेज वगैरह में कंपेयर कर लो प्राइस को, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ में देखो एवरीथिंग एकदम जेन्युइन प्राइस ले रहा है, मैकेनिक का चार्ज भी यहाँ पे वैसे ही है। मतलब बाहर ईटानगर का कुछ हवा में प्राइस देता है, आई डोंट नो। तो वो लोग ये काम तो है, ये देखो ज़्यादा इसके लिए कितना सारा गैरेज पर, ये कितना साल का एक्सपीरियंस है। वहाँ का काम कुछ ज़्यादा अच्छा होगा तो बात है ही नहीं। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए प्राइस को ना, हमेशा गैरेज अलग अलग गैरेज में अपना अपना मर्जी से, मन मर्जी प्राइस बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम प्राइस अलग, ब्रेक शू यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं हम, ईटानगर में 150 रुपया बोलते हैं, यहाँ पे 50 रुपया ले रहे हैं। देखो काम सेम है, यहाँ में स्विच हम चेंज कर रहे हैं, ईटानगर में 150 रुपया, 100 रुपया तो मिनिमम लेगा, ये 50 रुपया ले रहा है। उसके इंजन ऑयल चेंज करने का तो ये तो 50 रुपया ऐसे दे दो बोल रहे हैं, फ्री में कर देते नॉर्मली। तो ईटानगर में 250 सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करेगा और ये फिल्टर चेंज करेगा 250 बोलते हैं, ऐसे कहाँ होगा, हवा में दाम बोलते हैं हवा में। एंड और एक चीज़, कोई कोई सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ से सामान डाल रहा है इसलिए वो लोग सस्ता में कर रहा है, ऐसे भी बोलेगा होगा, ऐसा नहीं है। हम ये रॉयल जेन्युइन पार्ट हम वो रॉयल एनफील्ड का शोरूम से लेके आए ना, सिर्फ सामान को हमें डालने दे रहे हैं, मेकिंग चार्ज का हम दाम बता रहे हैं। सामान जो भी डाल रहे हैं हम खुद से लेके आए, यहाँ से नहीं लिए। तो कोई कोई सोच सकते हैं कि यहाँ से सामान ले रहा है क्या वो लोग सस्ता में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सामान लेके आने से भी वो लोग इतना, वो जस्ट मेकिंग चार्ज को बता रहे हैं हम। देखो गाइस, हम ये वाला ब्रेक शू को डाल रहे हैं, बाद में आप लोग कंफ्यूज में कोई बोलेगा दूसरा वो ब्रेक पैड डाल रहा था होगा, शू नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए कंफर्म के लिए दिखा रहे हैं। देखो ब्रेक शू डाल रहे हैं, पूरा टायर को निकाला है, उसको निकाल के डालेगा, इसको फिटिंग का चार्ज ले रहा है 50 रुपीस यहाँ पे दोईमुख में। और इसको सिंस निकाल रहे हैं, उनके हम इसको भी रबर भी डाल देगा, तो ये तो फोकट में डाल देगा, ये रबर भी डाल रहे हैं, तो 50 रुपये में देखो इतना काम हो रहा है। और ये सिग्नल का तो दिखाई आपको डाला वाला, और कंपेयर करेगा आपको रिसेंटली कुछ दिन पहले, दो हफ्ते पहले ही हम यहाँ में रेक्टिफायर डाला है, यहाँ पे डालता है बस ये वाला पोर्शन है ना, ये इसको चेंज करा है ईटानगर में, सिर्फ इसको वो जो विवेक विहार में जो है ना शोरूम, उसको सिर्फ चेंज किया, इसका चेंज करने का वो लिया हमसे 250 रुपीस सिर्फ ये चेंज करने का। हम बोले थोड़ा कम करो, बोले तो भी नहीं किए, वो ऐसे ही बहुत महंगा है, बहुत टाइम लगता है, टाइम तो नहीं लगा था तो। लेकिन यहाँ में देखो, यहाँ में पूछा ये 100 रुपये में वो लोग चेंज कर देते हैं। सो मतलब प्राइस का ना डिस्पैरिटी है, मतलब बहुत गड़बड़ है प्राइसेस में ना, थोड़ा आसपास लो, ये इतना डबल से भी ज़्यादा
सोचिए आप, डबल से भी ज़्यादा ले रहा है यहाँ का, यहाँ से जो है ना उससे डबल ले रहा है, डबल से भी ज़्यादा ईटानगर में। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ईटानगर में चुतिया बना रहा है और आप लोग सब चुतिया बन रहे हैं, समझाए। तो ये मतलब हर जगह में, मतलब अपना स्टेट में हर कोई चुतिया बनाने में लगा हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, ये पब्लिक सेक्टर में देखो, प्राइवेट सेक्टर में देखो, हर कोई एक दूसरे को चुतिया बनाने में लगा हुआ है। तो चुतिया मत बनिए, आप एजुकेटेड है, अपना एजुकेशन को अगर आपको कोई मतलब फूल बना रहा है, इवन दो यू आर एजुकेटेड एंड कोई लाइक एकदम अनपढ़ वाला आपको फूल बना रहा है, आपसे ज़्यादा पैसा निकाल रहा है, तो यू आर फूल। आपका एजुकेशन का कुछ मतलब ही नहीं बन जाता ना, आपका जो नॉलेज है, आपका जो इंटेलेक्ट है, मीनिंगलेस हो जाता है। और आप गलती लग के भी आप दे रहे तो लाइक ये गलत है। इतना डिफरेंस है मतलब प्राइसेस में ना, तो इसको कोई इसको तो वो नहीं करता है, ये लोग का कुछ मतलब सिस्टम है ही नहीं। मन मर्जी, जो जो मन आएगा बोल देगा, ऐसा है सिस्टम। जो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग को भी हम लोग वही बोल रहे हैं, अवेयर होना चाहिए पब्लिक को भी। हम लोग कुछ काम करा रहे हैं तो हम लोग जो पैसा दे रहे हैं, मेहनत का पैसा, आदत हो गया ना, आदत को बदलना है। आप बात कीजिए, क्यों इतना दाम ले रहे हैं, कैसे ऐसे दाम ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अभी वो बोलेगा कि ईटानगर में हर चीज़ महंगा है। अरे यार, दोईमुख और ईटानगर में इतना, दोनों अरुणाचल है, आसाम से कंपेयर नहीं कर रहे हम ना। अगर हम आसाम से कंपेयर कर रहा होता तो आपको लॉजिक बनता। यहाँ पे भी 1 BHK का 6,000 है दोईमुख में। यहाँ पे भी जो सब्जी का दाम है, वहाँ पे ईटानगर में भी सेम दाम है। तो आपका क्या रेंज की है, प्राइस किस बेस पे आप इतना ईटानगर में दाम बोल रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आपको दिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। हर कोई मतलब एकदम इजी मनी चाहिए, जल्दी हर किसी को अमीर बनना है बहुत जल्दी। मतलब ऑफिशियल्स लोग करप्शन करेगा और जो प्राइवेट सेक्टर में वो लोग एकदम एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट लगाएगा, मतलब कुछ भी चीज़ में एकदम हैवी प्राइस लगाएगा, एकदम अनरीजनेबल प्राइस लगाएगा। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये लोग में नहीं है। अभी जैसे कि वीक को तो आप भी लूटने के लिए ट्राई करेगा, समझाए। तो हम लोग शिकार बन रहे हैं काइंड ऑफ, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर राइट, वी आर यू नॉट यूजिंग आवर नॉलेज, वी आर नॉट यूजिंग आवर एजुकेशन, प्रॉब्लम इज दैट। तो हम लोग को एक अनपढ़ भी मतलब यहाँ पे आके मतलब एकदम हैवी प्राइस लगाएगा, और वी डोंट इवन बॉर्डर टू आर्ग्यू, वी डोंट इवन बॉर्डर, 100 रुपया 50 रुपया में क्या आर्ग्यू करेगा, दे देते हैं। लेकिन आप दे सकते हैं, लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, ये चलते रह रहे हैं एंड इट्स नॉट गोना स्टॉप। एंड ये होते होते बाद में क्या होगा कि कल्चर ही बन गया हम लोग का स्टेट का। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, वी हैव टू डू समथिंग। इशू ये है कि हम लोग बोलता नहीं, हम लोग वॉइस रेज नहीं करता है। कुछ भी चीज़ गलत लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हो जाएगा 50-100 रुपया या 500 रुपया हो जाएगा, हल्के सोचते हैं, बहुत बड़ा दिल बनता है। लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ से क्या होता है, ये एक कल्चर बन गया हम लोग यहाँ पे। कल्चर इसको बंद करना है, इसको ब्रेक करना है, ये साइकिल को ब्रेक करना है, तो उसके लिए वॉइस तो रेज करना ही पड़ेगा। और ऐसा होता है कि एक बंदे से भी, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने एक मैं पोस्ट दिखाता हूँ, उसको देख लीजिए आप ये पोस्ट को पहले एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखा ना उस बंदे ने क्या किया कि काफ़ी लोग वो ट्रेन से गए हो गए और काफ़ी लोग वो फूड सेम इशू होगा बहुत आदमी का, लेकिन एक आदमी का ट्वीट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं ना। इतना हाईएस्ट लेवल्स में एकदम हम लोग का सेंट्रल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल में मतलब ऐसा गड़बड़ होता है तो हम लोग का स्टेट में तो होगा ही है। तो इशू ये है कि वी हैव टू रेज द वॉइस, चुपचाप नहीं बैठना या कोई दूसरा कर लेगा नहीं सोचना। और दूसरी बात ये है कि एक बंदा से भी काफ़ी चेंजेस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोना ब्रैग, बट मेरे पिछले वीडियो से भी कुछ चेंजेस आया है, पॉजिटिव चेंजेस आया है। तो और लेकिन काफ़ी सारे लोग आपको जो ये करप्शन कर रहा है या जो गलत काम कर रहा है वो लोग आपको डिस्करेज जरूर करेगा लीगल टर्म को लेके। हमको भी आया ऐसे, हमको बोला कि आप जो एकदम ऑफिशियल जो मेथड है प्रॉपर चैनल से आप कंप्लेन करना चाहिए, RTI थ्रू से, कागज़ के थ्रू से। बट ये जो सिस्टम बना है ये वो लोग का फेवर में करता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू गेट द पेपर वर्क एंड ऑल। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर चैनल, मैं ये जो सोशल मीडिया में यूज़ कर रहा हूँ ये प्रॉपर चैनल नहीं है क्या? हु विल डिफाइन वो विच वन इज़ द प्रॉपर चैनल? आप लोग का कन्वीनियंट क्या जो होगा उसको प्रॉपर चैनल बोलेगा, या हम मेरा कन्वीनियंट वाला को प्रॉपर चैनल बोलेगा? तो एज फार एज माई नॉलेज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। आप भी अगर कुछ वीडियो बनाते हो तो कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए आपका। आप क्या ध्यान रखो कि किसी का प्राइवेसी में इंट्रूड नहीं करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम लोग के पास। सो डोंट वरी, आप ये सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ गलत दिख रहा है तो आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना है विदाउट एविडेंस। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो गाइस बकल अप, एंड फ्यूचर में भी कुछ गलत होगा तो आई एम गोना पोस्ट, आई एम गोना डू दैट। सो आप लोगों से भी यही इनक्रेज करना चाहूँगा सबको कि आप लोग भी ऐसा करना चाहिए और इशूज़ को रेज करना चाहिए। और भी बहुत सारा सिस्टम है हम लोग का यहाँ पे स्टेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये
गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि 50 रुपया या 20 रुपये का फॉर्म को 100 रुपया 200 रुपया तक लेता है, वी डोंट नो, वो फॉर्म का 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है ऑफिशियल रेट, बट दे आर चार्जिंग इट, क्योंकि वहाँ पे कुछ MRP लिखा नहीं है, हम लोग को कुछ बिल देता नहीं है, सो वी जस्ट पे फॉर द प्राइस दे वट एवर दे आस्क फॉर। कल को जाके 500 मांगेगा 1000 मांगेगा तो क्या देते रहेगा क्या हम लोग को जितना बोलेगा? तो इसलिए कुछ कुछ होना है, कुछ गवर्नमेंट में एवरीथिंग शुड बी, गवर्नमेंट का कुछ भी आप परचेस करते हो तो हर चीज़ का एक रिसीट होना चाहिए, मतलब चालान होना चाहिए। सिर्फ आप कैश पेमेंट करेगा और उसका कुछ रिसीट नहीं देगा वो गलत होगा, दैट इज़ द ब्लैक मनी। और हम बहुत थैंकफुल है ये लोग के लिए भी जो जो हमको साथ दिया है, मतलब मेरा सब्सक्राइबर लोग, आप लोगों की वजह से मेरे पास कॉन्फिडेंस आता है। अगर एक भी बंदा देखने वाला नहीं होगा तो मेरा वीडियो में, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर हमको लगे कि मेरा पीछे काफ़ी लोग है और मेरा वॉइस काफ़ी लोग तक तो पहुँच रहा है, देन आई विल हैव मोर कॉन्फिडेंस राइट एंड आई कैन रेज मोर इशू। बट इफ़ आई फील लाइक कि कोई देख ही नहीं रहा है किसी पे या बात किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो डिस्करेज होता है। लेकिन आप लोग की वजह से, जितना भी मेरा लास्ट टाइम भी व्यूज़ हुआ है, आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से आई गेट करेज टू टॉक अबाउट दिस इशूज़ एंड देर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ इशूज़ ऑब्वियसली देर वुड बी। एंड आपको भी कोई इशू होगा तो यू कैन, अगर अपना फेस नहीं डालना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो के साथ मुझे दोगे तो मैं डाल दूंगा मेरे पोस्ट पे, तो डोंट वरी। बट लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कोर्ट इसके ऊपर भी बहुत सारा कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ इस तरह का इशू आता है एक न्यूज़ एजेंसी को, तो वी शुड नो द राइट, आवर राइट, अपना राइट का लिमिटेशन भी होता है वो भी जानना चाहिए। हम लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोल के हम लोग कुछ भी अनाप शनाप नहीं डाल सकते हैं इंटरनेट में भी विदाउट प्रूफ। एट द सेम टाइम करप्शन कोई कर रहा है तो उसको भी बिंदास वीडियो बनाना है करप्शन करते हुए, तो वो तो ये करप्शन को तो यही है ना अभी पकड़ने का, अभी करप्शन कर रहा है कि हम आरती लिखेगा क्या ये करप्शन कर रहा है? दे विल ऑलवेज, देखो इंसानी सिस्टम बनाते हैं तो दे विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू बचने का रास्ता निकल भी जाते हैं ना, कानूनी इंसान ताला, इंसानी ताला बनाता है ना, तो इंसान ताला को तोड़ने का चाबी भी बनाते हैं ना, मतलब समझाए, तो देर विल ऑलवेज बी वे फॉर क्रिमिनल टू गेट आउट ऑफ द थिंग्स। बट अगेन हम लोग भी हार नहीं मानना है, करते रहना है, गलत का बात करना है, गलत छोटा हो या बड़ा हो, गलत इज़ गलत ना, तो ऑब्वियसली हाँ उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट करता है कभी कभी, लेकिन बट स्टिल वी हैव टू रेज द वॉइस एंड आई नीड योर सपोर्ट। लाइक आई सेड, नॉट ओनली पैसा वाला सपोर्ट नहीं, ये आपको मेरा सब्सक्राइब करने से या व्यू होने से आपको हमको ये आप लोग का पैसा नहीं जाएगा, किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा ना, आपका समय एंड आपका सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड वैसे तो मेरा जो ब्लॉग रहता है एंटरटेनमेंट का ऊपर ही रहता है मोस्टली, मतलब जस्ट हैंग आउट किया वाला, अच्छा अच्छा जगह, पॉजिटिविटी को हम दिखाना चाहते हैं अपने स्टेट का, लेकिन बीच बीच में नेगेटिविटी आएगा तो भी हम लोग वी कान बी लाइक यू नो, हम लोग ब्लाइंड नहीं होने, मतलब हम लोग वो नहीं होने, मतलब हिपोक्रेट नहीं होने, सिर्फ अच्छा चीज़ को बताएगा, ख़राब चीज़ को भी बताना पड़ेगा ना, तब ना जाके वो खराब में सुधार आएगा। हम लोग खराब चीज़ को देख के बंद करते रहने से वो कभी सुधरेगा ही नहीं, वो चीज़ कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो अच्छा चीज़ को तो बताएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन ख़राब को भी बताना है ताकि वो भी अच्छा हो जाए, सुधर जाए, तो यही बोलना चाहूँगा आप लोग को और नहीं पकाते हुए। सो गाइस इस बढ़िया सा व्यू में मैं अपना बात यह भी रखना चाहूँगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाएगा ना ज़्यादा भाषण सुनने से, तो पॉइंट इज़ बीच बीच में अगर आपको कुछ गलत चीज़ पता चलेगा, गलत चीज़ दिखाई देगा, गलत लगेगा, तो आपको वीडियो बनाना चाहिए, वॉइस रेज करना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि चलते आ रहे तो चलने दो, होते आ रहे तो होने दो, मेरा क्या जाता है, कोई ना कोई बोलेगा, ऐसा नहीं सोचना है, आप अकेला भी चेंज ला सकते हैं, एक अकेला भी बंदा चेंज ला सकते हैं। सो गाइज वही बोलना चाहूँगा, मिलते हैं आप सभी से अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।